उरे भाई ये क्या है? अरे भाई ये तो जूते के डब्बे में जानवर लेके देखें बिल्कुल खाने के लिए जो है वो चल रहे हैं और ये जो इमरान जो है इसको फीडिंग कांटे वाला चूहा और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूं हमारे रैबिट वाले केज में और कल वाला व्लॉग भी आपने देखा होगा, उससे पहले वाला भी देखा होगा तो आपको पता होगा हमारे रैबिट्स ने जो है बेबीज दिए थे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब भाई इसको ज़रा तंग ना करें, ये आजकल बहुत खतरनाक चल रहे हैं और ये काट वाट लेते हैं, साथ में चीज़ें भी छीन लेते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे हैं। अच्छा जी, तो भाई अभी मसला ये है और वो मसला चल ही रहा है मुसलसल, जब से रैबिट के बच्चे पैदा हुए हैं ये सेट नहीं होके दे रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि कल भी यहाँ से दो बच्चे जो है वो गायब हो गए थे, हमें नहीं मिले, और आज रिजवान साहब कहाँ गए बच्चे यार? भाई मैं यही वेट के सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ सुबह जब मैं आया था ये केज खुला हुआ था, मैंने बख्श भाई को भी यही बोला कोई चीज़ या बिल्ली अंदर आई है, बिल्ली ने उठाया, क्योंकि सुबह आपने ड्यूटी इसकी लगाई हुई थी दूध पिलाने की। अब्दुल्ला भाई भाई गेट बंद करके जाया करो, मसला पता है क्या हुआ है? ये हुआ है कि गेट सुबह खुला हुआ था, यहाँ से बच्चे गायब हो गए हैं और हम सब इसको ढूंढे जा रहे हैं। मैं तो खैर अभी जू पहुँचा हूँ, मुझे सुबह से पता चल रहा था। तो भाई पाँचों के पाँचों बच्चे जो है रैबिट के हमारे गायब हो गए, हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब के हिसाब से, डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? सर रात को 10 बजे तक उन्होंने दूध पिलाया था, उसके बाद ये गेट खोल के सीसीटीवी हमने देखा था गेट खुला हुआ था। गेट खुला हुआ था तो कोई बिल्ली आई है, चूहा आया है, क्या हुआ है? ये हमने देखा नहीं है सीसीटीवी में, क्या मैं भी बिल्ली आ सकती है, मैं भी चूहा आ सकता है, ये कुछ नहीं कह सकते भाई। देखें इसीलिए कहते हैं कि जो आप एनिमल्स रखें, आप मेरे पास ये सारे रैबिट जो अडॉप्शन के लिए आए थे, इनकी एजेस भी नहीं पता थी और इतनी स्पीड से हमारे पास अडॉप्शन के केसेस आ रहे थे। जितनी देर में हमें केज बनाना था, क्योंकि रमज़ान के ऐसे जो हमारी लेबर है वो काफ़ी कम हो गई है, हमारे केज नहीं बन पाए और उसने जो है उस डब्बे के अंदर ही बच्चे दे दिए। उन बच्चों को हम इस बड़े वाले केज में ले आए और आप सब कह रहे थे कि इस बड़े वाले केज में सारे रैबिट्स को ले आए, तो देखो भाई मैं इसीलिए वो रैबिट्स नहीं ला रहा था कि अगर वो ला देता तो पता नहीं ऐसे कितने रैबिट जो है और कम हो जाते, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। ये केज जो है ये रैबिट का केज नहीं है, तो रैबिट के लिए प्रॉपर केज होना चाहिए, वो हम बनाएंगे इसके बाद जो इनकी ब्रीड कराएंगे। तो बस अल्लाह मालिक है, अब दोबारा इंशाल्लाह जो है इनकी ब्रीड आ जाएगी और इंशाल्लाह जो है अब कोई गलती नहीं होगी और सारे के सारे रैबिट जो है बिल्कुल ठीक से रहेंगे। जैसे रकून जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, मुर्गे हमारे मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही हैं अभी इसके अंदर, तो भाई ओवरऑल थोड़ा सा ऑफ सीन है, लेकिन ये वेदर जो है वो चेंज हुआ है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये जो चीज़ें जो है वो जू के अंदर तो चलती रहती हैं, क्योंकि कोई 1500 के करीब हमारे पास जानवर हैं, तो अंडे भी हो रहे होते हैं, बच्चे भी हो रहे होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है और आप लोग जो हैं वो परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें मज़ीद बेहतर करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम बेहतर करते जा रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं हमारे जो बतख के बच्चे पैदा हुए थे, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे जो डकलिंग्स पैदा हुए थे, डकलिंग्स के पास चलते हैं, उनको देखते हैं, तोतों को देखते हैं कि सारी चीज़ें ओके है नहीं ओके, और वेरी सून मैं पैरट्स के ऊपर पूरा एक मुकम्मल ब्लॉग भी बनाने वाला हूँ। तो डकलिंग को ज़रा चेक कर लेते हैं, बतख के बच्चे ठीक हो रहे हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये देखें कितने सारे हो गए हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए हैं। और हमारा जो ग्रे पैरेट है इसके क्या हालचाल है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ग्रे पैरेट की ज़रा अपडेट ले लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह ग्रे पैरेट बहुत अच्छा सेट हो रहा है, ये देखें, और अभी इसको भूख लगी है, इसके खाना खाने का टाइम भी हो गया है, तो हम ग्रे पैरेट को जो है वो अभी रिजवान जो है वो फीड करा देगा। दाऊद तो नहीं है लेकिन सारी जिम्मेदारी अब रिजवान के ऊपर है और डॉक्टर साहब के ऊपर। ग्रे पैरेट का खाना भी आ गया और प्रॉपर टाइम टेबल से चल रहा है, तो इमरान भाई आप फीड करा रहे हैं आजकल दाऊद के लिए? हम कराते हैं। सही फीड कर रही है जी। तो चले भाई अभी इमरान फीड कराएगा और बहुत एहतियात से फीड कराना होता है, दाऊद जो है सबको ट्रेनिंग देगी, वैसे इमरान को पहले से भी पता था, और अभी वेरी सून जो हम इसके लिए जो ना बड़ा डब्बा भी ले आएंगे। देखें बिल्कुल खाने के लिए जो है वो चल रहा है और ये जो इमरान जो है इसको फीडिंग करा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिएगा इसके स्टमक के अंदर जो है खाना भर जाएगा, तो ये हम फीड करा रहे हैं इसको बहुत ज़बरदस्त। इसकी ये जो जगह होती है ना, ये इसका या स्टमक होता है जिसके अंदर से आप इसका फीड चेक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फूल गया है, मतलब इसके पेट के अंदर खाना चला गया, लेकिन ये स्टिल थोड़ा सा और मांग रहा है, तो उसको थोड़ी सी और फीड कराएंगे हम।
भाई ये वाली हम फीड करा रहे हैं और ये एग्जैक्ट इम्पोर्टेड फीड होती है केटी की और ये हाई फैट होती है। हाई फैट देखें जो बर्ड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि फीड किसको कौन सी करानी है। ग्रे पैरेट्स एंड मकाउस जो होते हैं वो हाई फैट बर्ड होते हैं, तो छोटे बर्ड्स को आप कभी भी हाई फैट ना कराएं, सिर्फ इनको कराएं, क्योंकि ये जो हाई फैट बर्ड होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ और होती है और छोटे बर्ड्स की कुछ और होती है। तो अभी माशाल्लाह से इसने फीड कर लिया है और इसको ओवर फीड नहीं कराते हैं, इसको वापस रख देते हैं हम इसके ब्रूडर में। भाई मुन्ने आपको हम वापस रख देते हैं, उसको हम वापस रख देते हैं, यहाँ पे रहेगा ये सुकून से। और इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा हम इसका जो बाउल का साइज है वो भी बड़ा करते जाएंगे। भी हमारे माशाल्लाह सारे सेट हैं, सोच रहा हूँ कि कल सारे बर्ड्स को बाहर निकालो और उनको हम सब जो मिलके शावर दें और सारे बर्ड्स आपको मैं मिलवाऊँ, कल का व्लॉग शायद बर्ड्स पे हो जाए। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, कल के दिन में देखें आपके लिए हम क्या एंटरटेनिंग कर सकते हैं। बताएं, मुझे आपने फोन करके बुलाया है, खैरियत है सब? सर खैरियत ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे पास काम करता लेबर छुट्टी पे गया हुआ था गाँव, हाँ में हमारे लिए गिफ्ट लेके आया वहाँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बख्श भाई के लिए जूते वूते आ गए हैं लग रहा है, और माशाल्लाह लेकिन ये बच्चों के जूते आपके लिए क्यों लाया मुझे पहले ये बताएं। मैं यही सोच के मैं भी बड़ा परेशान था, हैरान था, डॉक्टर को मैंने बोला देखो यार ये बड़ी ऐसी चीज लेके वो भी छोटी छोटी, तो जब हमने डब्बा खोला तो फिर ये निकला था। भाई ये क्या है? अरे भाई ये तो जूते के डब्बे पे जानवर लेके बैठे हो यार, और आपने मुझे बताया नहीं, आप कह रहे हो गिफ्ट आया हुआ, गिफ्ट आया हुआ है। तो भाई माशाल्लाह ये तो हैजोग है, हैजोग। और ये इसको कहाँ से मिल गया भाई? यार ये उधर बहुत होते हैं सिंध के अंदर ना, और वैसे भी कच्ची वाली साइड पे जो है ना बहुत होते। ये देखे दोस्तों तो हैजोग आ गया है। अच्छा इसके अंदर में वहाँ पे हम जब बचपन में हम छोटे होते थे तो ये खेतों में निकल के आ जाते थे ना, फिर हम इनके साथ ना यू मस्तियाँ करते थे। हाँ 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 ऐसे हम करते थे, तो ये जो है ना इसका मुंह जो है ना अंदर खुद ही सेफ्टी कर जाता था अक्सर। हम ये देखें यार, हम ये सोचते थे कि भाई ये जब सांप वगैरह आते हैं ना तो इसके पास, तो ये जो ना यूं मुंह कर देता होगा उसको, जब भी इसको डसता होगा तो कांटे जो है ना इसको लग जाते होंगे सांप को। भाई इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों हमारे पास हैजोग आ गया, और हैजोग ये बख्श भाई के लिए आया। बख्श भाई आपके लिए आए, आप मुझे दे रहे हैं ये? आपको गिफ्ट कर रहा हूं, देखो। अच्छा ये गिफ्ट किसी और का आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, या वो लाया ही मेरे लिए होगा, आप अपने ऊपर रख रहे हैं? नहीं जू के लिए लेके आया था, तो मैंने बोला आपको ही मैं गिफ्ट करूंगा, क्योंकि आप ही इसको जो है ना संभाल सकते हो और आपकी इसकी ज्यादातर केयर कर सकते हो भाई। अच्छा कोई खास वजह आप मेरे ऊपर डाल रहे हो उसकी? आप जरा बाहर जा रहे हैं तो चूहा लेते हुए जाएं, जबरदस्त जी। तो भाई ये हमारे पास जो है हैजोग आ गया है, और इसको कांटों वाला चूहा भी कहते हैं, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से कांटे हैं, देखें मैं हाथ लगा रहा हूँ तो हल्के हल्के चुभ रहे हैं। अच्छा ये जो है ये वाइल्ड एनिमल में आता है, और इसके बारे में डिटेल ये है कि कार्निवोर स्पीशी होती है ये, और रोडेंट फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसके जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, कांटे इसके चुभोने वाले होते हैं। अच्छा इनके बारे में एक दो और चीज़ें बख्श भाई, ये जो से होती है वो यही चीज होती है या आप लोग इसको किसी और चीज को सह कहते हो? नहीं सह तो वो अलग होती है जो बड़े बड़े कांटे होते हैं, पॉर्क्यूपाइन जो होता है उसको सह कहते हैं, और ये जो है जो कि मैं यही समझना चाह रहा था कि अक्सर जो है वो सबको कंफ्यूजन ही होती है कि सह और पॉर्क्यूपाइन वो एक ही कर देते हैं, तो भाई ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इनको देखो ना, जैसे ये पॉर्क्यूपाइन कह रहे हैं आप वो है, और सह को ये समझ लो पॉर्क्यूपाइन आप हो, लड़े नहीं यार सारा दिन आप लोग लड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब यार इतने अच्छे हैं हमारे, चश्मा डालो तो पूरा सेम वही नजर आएगा। अगर आपको चश्मा पहना दे तो बातें भी करता है कांटे मारने वाली, ये भी नहीं कि अच्छी बात कर रहे। डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, आप लोग आपस मतलब एक मिनट इधर लाए भाई, इसको जरा बाहर निकालें देखें जरा सही से इस। और दूसरी बात है कि इसके लिए ना रिजवान पहले जो ना एक शीशा जाके खाली कर लें पहले भी। अच्छा दोस्तों पहले भी हमारे पास एक हैजोग आया था, हमने उसे रखा था, उसके बाद वो चलेगा। और आप लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि ये चीज़ कहाँ गई वो चीज़ कहाँ गई, हमारा माशाल्लाह सिस्टम इतना बड़ा है जू का, और हमारे पास एक और हमारा रेस्क्यू सेंटर है जिसका मैंने अब तक आपको विजिट ही नहीं कराया, बहुत जल्द उसके भी ब्लॉग डालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम रिलीज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा दिन हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं पूरा दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रिलीज़ हो जाती हैं। और अभी एक रिलीज़ ऑपरेशन का जो हम वीडियो भी डालने वाले हैं जिसके नाम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम जो है वो जंगलों में जाके चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। तो अभी ये जो हमारा हैजोग है इसको रिजवान ज़रा यार सबसे पहले तो कोई जगह खाली करो, ये डिहाइड्रेट होगा, इसको पानी पिला देना, और इसको जो है वो चिकन वगैरह जो है ना उसको थोड़ा बारीक बारीक कीमा करके ना उसको वो डालते हैं ताकि खाएं, इसके अलावा इसको मील वर्म्स भी डालते हैं ताकि खाएं। और इसके बारे में एक और फैक्ट बताऊं कि ये जो है वो लैक्टोज इनटॉलरेंट होता है, इनको मतलब ये है कि इनको दूध जो है उतना जल्दी हजम नहीं होता, दूसरे जो दूध है वो इतना जल्दी हजम नहीं कर पाते। कभी भी हैजोग वगैरह आपको मिले तो उसको आप काओ मिल्क वगैरह ऑफर मत कीजिएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो भाई जो है वो अब इसको हम रेप्टाइल रूम के अंदर इसके लिए शीशा बना रहे हैं और जो है ना वो इसको वेरी उसके अंदर हम रख रहे हैं। अरे भाई और दूल्हा आ गया, दूल्हा 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 दूल्हा, अरे दूल्हे में आ गए भाई। तो ये हमारे दोस्त अली रजा माड़ू जिसको हम प्यार से कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई गाँव से आ गए और कहा नमाज वमाज पढ़ने गए थे माशाल्लाह भाई। तो भाई की मंगनी हो गई है भाई, भाई की मंगनी हो गई है मुझे खबर पता चली। मिठाई खड़ी अच्छी है छोरा भा, अरे मिठाई भी लाया है माड़ू, गाँव से लाया इधर बाहर से लाया है। अच्छा हैरत की बात ये है, गांव से उसको मिठाई लानी चाहिए थी और लाया ये है। पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी माशाल्लाह मंगनी हो गई यार। और मुझे हैरत की आपको लड़की दे दी, बात हुई है ना अभी, बात पक्की हो गई। हमें कोई दे नहीं रहा, इसको दे भी दी भाई। भाई अपने अपने हमारी बात है यार। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात, मजाक अपनी जगह यार, ये मुझे जरा बताओ ये आपको मिला कहाँ से, क्योंकि मुझे समझना है। जी ये खेतों से मिला, इसको बच्चे खेल रहे थे मार रहे थे, फिर उनसे मैंने ले लिया, बोला मैं लेके जाऊंगा कराची भूमी बेस्ट भाई के पास। भाई बहुत अच्छा किया आप ये ले आए हो। और ये हमारा माड़ू बड़ा शर्मीला है, कैमरे में आने से बड़ा वो शर्मा रहा था। इसकी नई नई मंगनी भी हुई है, देखें टोपी का कलर, इसके गालों का कलर एक ही हुआ है, गुलाबी हुआ है। तो अभी बख्श भाई और डॉक्टर साहब तो तुम आज पूरा दिन छेड़ेंगे। ये देखें भाई, तो इसको अच्छा अली रजा इसको सिंधी में क्या कहते हैं? इसको कांडे वाला चूहा। कांटे वाला चूहा तो उर्दू में कहते हैं ना भाई, सिंधी में कंडन आ रहा जाओ या या कंडन वाला जा जाओ, मैं कहाँ जाऊँ? जाओ जाओ इसको बोलते हैं। अच्छा इसको जाओ बोलते हैं। डॉक्टर साहब आप भी तो सिंधी हैं यार। कंडन वालो जाओ, कंडन वालो जाओ मतलब कांटो वाला चूहा। अच्छा बाबा तुम तो परेशान बच्चों को कर दे, वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं भाई, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ सारी चीजों की। तो इसको आप अंदर रखते हैं, इसको खाना पीना खिलाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक और रेस्क्यू केस आ गया, मगर ये कुछ टाइम के लिए होगा। रेस्क्यू केस जो होते हैं वो हमारे पास परमानेंट नहीं होते, एक बार याद रखना। फिर भी आप इसका नाम बता दें ताकि जब हम रिलीज करेंगे तो उसको इसके नाम से ही रिलीज करेंगे। अभी इससे जरा हाथों में उठाता हूं, तो मैंने रिजवान से भी जरा ग्लव्स मंगवाए, तो ये ग्लव्स पहनते हैं। इसके बाद इसको हाथों में उठाते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं। मैं चाह रहा हूं इसका फेस भी मैं आपको दिखा सकूं, जो कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने फाइनली भाई इसको उठा लिया है, और ये देखें बिल्कुल गेंद नुमा बन के बैठ गया। और यही इनकी खास बात होती है कि ये ऐसे गोले नुमा बन के बैठ जाते हैं। ये देखें इसका मुंह बिल्कुल बीच में, ये दिख रहा है आपको इसका नाक। तो ये कांटे बड़े चुभोता है, और ये क्योंकि वाइल्ड है ये काट भी सकता है, और इनके अंदर बीमारियां होती हैं, रैबीज हो सकता है, बहुत सारी दूसरे इन्फेक्शन वाले डिजीजेज हो सकते हैं, टैटनस हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहना है सेफ्टी, हालांकि ग्लव्स भी इनफ नहीं है, अगर अपनी काटने पर आया तो उसके दांत जो ग्लव्स को भी पार कर सकते हैं। तो ये देखें भाई हमारा कांटे वाला चूहा। आज रिजवान ने जो है एक्वेरियम रेडी कर लिया है, अब इसको एक्वेरियम के अंदर रख देते हैं, और इसकी इसकी भी अब आपको अपडेट मिलती रहेगी। इससे पहले भी जो हमारा हेजॉग था वो इसी एक्वेरियम में रहता था, ये रिजवान ने रेडी कर दिया है, इसको इसके अंदर रख देते हैं हम, और इसको हम फुल ट्रेन करेंगे, टेम करेंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो उसको बाहर हम अपने शोज में भी निकालेंगे, और फिर इसको थोड़े दिनों के बाद हम आज़ाद कर देंगे। जब हम इंगोल नेशनल पार्क जाएंगे तब आज़ाद कर देंगे। मैं ग्लव्स उतारता हूँ, और थैंक यू डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए व्लॉग शूट किया है। तो अब इसको ज़रा यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें इस करते हैं कि अभी थोड़ी देर तो हो चुकी है, 10-15 मिनट हमने इसको छोड़ा है, वहाँ पीछे जाके बैठ गए और शीशा हटाते हैं। इसको जो है ना मील वॉर्म खिलाते हैं अभी थोड़े से, देखते हैं मील वॉर्म खाता है या नहीं खाता है। तो पहले मील वॉर्म जमा करते हैं, आपको तो पता ही होगा हमने मील वॉर्म की फार्मिंग की हुई है इस टैंक के अंदर और इन गमलों के अंदर, ये देखें। तो मील वॉर्म निकालते हैं अभी, रिजवान निकालेगा मील वॉर्म ताज़े ताज़े। ये देखें भाई अभी मील वॉर्म हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से, एक आ गया, दो, तीन, कितने सारे हैं, डाला डाला बस ऐसे ही डाल देते हैं इसमें से, देख लेते हैं कितने खाता है। ये देखें भाई अच्छे खासे मील वॉर्म है, और इसको रिजवान ये पहले इसका एक कटोरा निकालना है यार। तो ये मैं डालूँ मील वॉर्म कि ये खा रहा है नहीं खा रहा, क्योंकि ये इनकी देखिए नेचुरल डाइट होती है, इनको जंगलों में ऐसे ही मिलता है। ये लाल वाला कटोरा निकालना ना, ये देखें ये हमने कीड़े डाल दिए, अभी देखते हैं ये खाता है या नहीं खाता है। ये देखें खा रहा है, ये देखें खा रहा है भाई, इसने खाना शुरू कर दिया भाई। भाई मील वॉर्म की फार्मिंग हमारे बहुत काम आ रही है, शीशा थोड़ा गंदा हुआ हुआ है ताकि आपको पूरा शॉट मिल सके। ये देखें अब मैं थोड़ा सा हाथ अंडर डाल के करता हूँ, ये देखें भाई इसने खाना शुरू कर दिया है, और ये जो है वो मील वॉर्म्स खा रहा है। अरे कितना तेज़ी से खा रहा है यार, मतलब इसने अभी जितनी देर में मैंने ये शुरू किया है इसको शूट करना, 2 से 3 कीड़े तो ये खा गया है।
भाई इसने जो है वो आधे से ज्यादा जो मील वॉर्म्स है ना वो विद इन वन मिनट के अंदर अंदर जो है इसने खा ली है और बड़ी जल्दी जल्दी खा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसको जो है यही खाना देना पड़ेगा कुछ दिनों तक, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी चेक करेंगे कि इसकी क्या अपडेट बनती है। और रेप्टाइल रूम में ये जगह इसका करते हैं फाइनल। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारी जो इग्वानाज हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जैसे कि ग्रीन इग्वाना और उसके साथ ही रेड इग्वाना। तो और ग्रीन और रेड को हमने कर दिया अलग अलग, क्योंकि भाई ये लड़ाई करना शुरू हो गई थी। जो ग्रीन इग्वाना है ये हमारी रेड इग्वाना को बहुत ज़्यादा फाइट करती थी, और इस केज के अंदर जो छोटा इग्वाना था उसको हमने सेपरेट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को सेपरेट रखेंगे। और मेरा प्लान है, एक तो आपको मैं बर्ड्स का टूर देना चाह रहा हूँ जो हमारे पास ब्रीडिंग बर्ड्स हैं उन केजेस का, लव बर्ड्स कॉकटेल्स का, और रेप्टाइल रूम का टूर भी जो है वो पेंडिंग है। तो आने वाले हो सकता है कल या परसों में मैं आपको ये टूर जो है वो देना शुरू कर दूँ, ताकि आप हमारे ज़ू को पूरे तरीके से जान जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से जो है वो बड़े अच्छे व्यूज़ आप लोग दे रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक क्या करें, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, और कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश हमारी ये होती है कि हर वीडियो के अंदर आप कुछ ना कुछ सीखें, इन जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ जानें, और हमारे एक्सपीरियंस और हमारे बैड एक्सपीरियंस से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।